सरकार की माँ बहन नहीं है क्या? सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण सब जिनकी माँ बहन नहीं है क्या? माँ तो सबकी माँ है ना। आप बहन परेशान मत होइए, 1,00,000 मेरी जो शक्ति है जो मेरे पास है आपको मुद्दा उठाऊंगा। सरकार को रुलाना है, आपको नहीं रोना है। आप में वो ताकत है, गिड़गिड़ाना नहीं है आपको, सरकार को पुत्रों पे टिकाना है। 1,00,000 सर, हम एक बात ये कहना चाहते हैं, ये सरकार का सपना है। बोलिए मैडम, बोलिए सर, बोलिए। मैं कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरे अब्बू को कैंसर है, मुझे इलाज कराना है, मेरे घर में कोई दवाने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा खातून है। कहाँ से आई आप? संत कबीर नगर से आई हूँ। कौन सी? दोस्तों, आपने देखा किस तरह से 22,000 सीटों को लेकर के अनवरत धरने पर बैठे छात्र जब ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं जिनमें इनको आस दिखती है, जिनमें इनको विश्वास दिखता है, या फफक फफक के रोने लगते हैं, अपनी बातें उनके सामने रखने लगते हैं। दोस्तों, पूर्व IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह से जब ये बच्चे मिले तो फफक फफक के रोने लगे, अपनी बातें रखने लगे। क्या यह दोस्तों ये आंसू आपको लगते हैं किसी मजाक का हिस्सा, किसी नेतागिरी का हिस्सा लगता है, किसी नौटंकी का हिस्सा लगता है? जी नहीं दोस्तों, यह हम उनके जीवन की सबसे मर्मम दुख है, सबसे ज़्यादा पीड़ा का समय है। इसी से दुखी होकर के IAS ऑफिसर ने लिखा, निशब्द हूँ, असहाय हूँ, बेटी के आंसुओं का दर्द समझता हूँ, आज इनकी मांगे पूरी कर सकूँ इतनी हैसियत तो नहीं है, पर अंतिम सांसों तक इन आंसुओं का कर्ज चुकाऊँगा। आज छात्रों की पीड़ा देखकर दिल भारी हो गया है, इनके संघर्ष को समझिए, इनके आंसुओं में छात्र जीवन की पीड़ा को देखिए। दोस्तों, इन्होंने जा करके अपने ट्विटर हैंडल पर ढेर सारे ट्वीट ऐसे किए जिससे इनकी बातें मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। दोस्तों, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको इतना शेयर कीजिए जिससे मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँच सके। इनके पास लीगल पेपर है, इनके पास दोस्तों लीगल पेपर है, सुप्रीम कोर्ट का पेपर है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 22,000 जो प्रशिक्षु हैं उनको नौकरी दी जाए, लेकिन दोस्तों सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बदले में दोस्तों इनको लाठियां, गालियां और तरह तरह की अभद्र टिप्पणियों से इनका अपमान कर रही है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ पूर्व IAS ऑफिसर ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, छात्र आपसे हाथ जोड़कर नौकरी मांगेगा तो आप उन्हें मां बहन की गालियां और मारने की धमकी दोगे? युवा शक्ति से भिड़ने वाला अंजाम तुमने इतिहास से नहीं सीखा है क्या? ऐसी बातों के साथ दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह ने बच्चों का साथ दिया और ट्विटर हैंडल पर पूरा कंपेन चलाया हुआ है। दोस्तों, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँच सके। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।